दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। टीम इंडिया की काफ़ी शानदार गेंदबाजी की आ गई, नीदरलैंड बल्लेबाज हुए पूरी तरह से ढेर और टीम इंडिया ने जीत की वर्ल्ड कप में एक और बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, बताएंगे आज के हाई वोल्टेज रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। पहले किस तरह से टीम इंडिया के एक बल्लेबाजों ने किया प्रहार, बाद में गेंदबाजों के आगे धाराशाही हुई नीदरलैंड। जी दोस्तों, टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली, जहाँ 39 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, जिसमें 3 शानदार छक्के लगाए। तो उसके बाद में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने अपने हाथ खोले, जब सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी को ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए मैच 25 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 1 शानदार छक्का लगाया। तो वहीं विराट कोहली ने भी काफ़ी शानदार पारी खेली। विराट कोहली जहाँ शुरू से लेकर अंत तक टिके रहे और इन्होंने 62 रन की नाबाद पारी खेली, जहाँ इन्होंने 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। टीम इंडिया की ओर से आज रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के शतक की बदौलत नीदरलैंड को 180 रन का टारगेट दिया था और टीम इंडिया की ओर से आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखी गई। जब नीदरलैंड टीम चेज करने उतरी तो उनकी शुरुआत खराब रही। भुवनेश्वर कुमार ने उनके ओपनर ओवेड को पवेलियन में पहुंचा दिया, जहां उसके बाद में अक्षर वटे ने क्लीन बोल्ड करते हुए टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिला दी। तो वहीं अक्षर वटे ने बैक टू बैक विकेट दिलाकर टीम इंडिया को बहुत ही जल्दी 3 विकेट चटका लिए। उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए नीदरलैंड के मिडिल ऑर्डर पूरी तरह टेस्ट मैच हो गए। तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी दौर में 2 विकेट उखाड़कर नीदरलैंड की पूरी पारी को तहस नहस कर दिया। तो वहीं अंत के ओवरों में अर्शदीप सिंह ने भी काफी शानदार गेंदबाजी की और इनकी गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने एक ओवर में ही 2 शानदार विकेट चटका लिए, जहां नीदरलैंड जो है पूरे 120 रन भी नहीं कर पाई और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में बहुत ही बड़ी जीत प्राप्त कर ली है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुका है और साथ ही उनकी सेमीफाइनल की राह पक्की हो चुकी है। दोस्तों, इसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।